हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग्स और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 25 स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनका हिंदी मीनिंग बताते हैं और उनकी पार्ट्स स्पीड बताते हैं। तो इस सीरीज में हमने ली है फ्रेंड्स आई से बनने वाली 50 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स, लेकिन आज के लेक्चर में 25 स्पेलिंग्स को ही कवर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे प्यारी सी स्पेलिंग है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट एक किसी भी प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं और उसकी जो कीमत है वो आप किस्तों में देते हैं, तब आप उस किस्त को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। क्लियर? तो देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग, INSTALMENT या INSTALLMENT, इंस्टॉलमेंट। और वर्ड होगा फ्रेंड्स नाउन, हिंदी में कहेंगे आप इसको किस्त। क्लियर? देख लीजिए सही स्पेलिंग कौन सी है, मार्क करते चलिएगा, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे कि कितनी स्पेलिंग सही हुई। नेक्स्ट है आइटिनरेरी। आइटिनरेरी क्या होता है? जब आप एक जर्नी का प्लान होता है, रूट मैप होता है, सारी चीजें होती है, तो उसको आप कहते हैं आइटिनरेरी, यानी आपकी यात्रा का जो प्लान है उसको आप यात्रा कार्यक्रम को आइटिनरेरी कहते हैं। ITINERARI और ITENERARY, आइटिनरेरी। और आइटिनरेरी की बात करें, ये जो वर्ड है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह से बिहेव करता है। ऑफ अ जर्नी, यानी आप कह दीजिए यात्रा कार्यक्रम, आइटिनरी। क्लियर? नाउन और एडजेक्टिव, या एक ऑफ जर्नी या ऑफ ए ट्रिप आप कह सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है बड़ा प्यारा सा इरिसिस्टेबल। और इरिसिस्टेबल की बात करें तो इरिसिस्टेबल होता है जहां आप कहते हैं अथक, कि मैंने अथक परिश्रम किया, अथक प्रयास किया, या अस्थिर के सेंस में हम इरिसिस्टेबल को यूज करते हैं। और वर्ड है एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। इरिसिस्टेबल। क्लियर? INSISTIBLE। और एक और स्पेलिंग लिख देता हूं, INSISTABLE, वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और आप हिंदी में कह देंगे अथक या अस्थिर, इरिसिस्टेबल। क्लियर? डेफिनेटली वर्ड पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इनविडुअस। इनविडुअस, इनविडुअस की बात करें तो इनविडुअस होता है जब आपका सेंस होता है ऑफुल या ऑफेंसिव होता है, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। और वर्ड है, वर्ड की नेचर से पता लग जाता है, IOUS या OUS से एंडिंग वाले वर्ड मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं एडजेक्टिव। इनविडुअस। एडजेक्टिव, और आप कह देते हैं इसको आप कह देते हैं ऑफेंसिव, और हिंदी में कह दीजिए आप घृणित। क्लियर फ्रेंड्स? ऑफेंसिव कह दीजिए, डिस्क्रिमिनेटरी कह दीजिए, या ऑफुल कह दीजिए। देखिए डिस्क्रिमिनेटरी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, DISCRIMINATORY की TARY, देख लीजिए क्या स्पेलिंग यहां पर होनी चाहिए। ऑफुल, ऑफुल आप कह देते हैं AWFUL, ऑफुल। क्लियर? इनविडुअस। और इनविडुअस के बाद है आपका इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी भी आप यूज करते हैं अस्थिरता के लिए, जब कोई चीज स्टेडी नहीं होती, अनस्टेडीनेस इसको कह सकते हैं। किसको फ्रेंड्स? इनस्टेबिलिटी को। और देखिए ITY आ रहा है, यानी वर्ड क्या होगा, वर्ड हो जाएगा आपका नाउन और आप हिंदी में कहेंगे अस्थिरता।
और दूसरा वर्ड मिल जाता एन अनस्टेडीनेस, क्लियर, अनस्टेडीनेस कह दीजिए या फ्लक्चुएशन आप कह सकते हैं इसको। फ्लक्चुएशन भी क्या होता है आपका, अस्थिरता होती है। तो देख लेते हैं सही स्पेलिंग। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि एल इसमें सिंगल आता, INSTAL, एल सिंगल आता है इंस्टॉलमेंट, क्लियर। और ITINERARY, आई टी नरेरी यानी स्पेलिंग देखें सही वाली, ITINERARY, ये स्पेलिंग आपको सही मिल जाती है। और इरेसिस्टेबल की बात करें, आर इसमें डबल आता है, RERSISTIBLE, इस TABLE पे ना जाइए, टेबल नहीं होता, TIBLE, और IRRE, यहां ध्यान दे आई और ई, इसमें आई है इसमें ई है, IRRE आपको यहां याद रखना है, IRRESISTIBLE, irresistible। और इनविडुअल्स की बात करें, INVIDIOUS, INVIDIOUS, तीन जगह इसमें आई आता है इनविडुअल्स। और डिस्क्रिमिनेटरी की बात करें तो इसमें जो है आपका TORY, ये सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और इनस्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल से वर्ड आया है, तो इनस्टेबिलिटी, क्लियर। आई देखिए स्टेबल, STABLE, STABLE स्टेबल होता है, तो लेकिन INSTABILITY, ये पहली वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है, क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग हमारे पास इंसिडियस, और इंसिडियस की बात करें तो इंसिडियस होता है घातक, जिसको आप घातक कहते हैं, कपटी कह सकते हैं, कनिंग, क्राफ्टी या हार्मफुल, कई सिनोनिम आपको इसके मिल जाते हैं। इनसीडियस, INSIDIOUS, दो स्पेलिंग मैंने आपको यहां लिख दी, क्लियर, इनसीडियस। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड होगा एडजेक्टिव, आप हिंदी में घातक कहिए या कपटी कह दीजिए, क्लियर। कनिंग कह सकते हैं, क्राफ्टी कह सकते हैं, फैटल कह सकते हैं, चीट कह सकते हैं, बहुत सारे सिनोनिम आपको यहां इसके मिल जाएंगे, क्लियर। इसके बाद बात करें, एक वर्ड आता है आपका जिसको कहते हैं आप इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको आप सुधार ना जा, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको आप ठीक ना कर सके, ऐसी गलती जिसको आप ना सुधार सके, तो उसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, क्लियर। और देखिए वर्ड की नेचर की बात करें, एक और स्पेलिंग लिख दूं, GIBLE, और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड ये मिल जाता है आपको एडजेक्टिव, इसको आप कह देते हैं असुधार्य या सुधारातीत, हिंदी में अनरिफॉर्मेबल भी आप इसको कह सकते हैं, अनरिफॉर्मेबल यानी असुधार्य या सुधारातीत, क्लियर, अनकॉरिजिबल। और अनकॉरिजिबल के बाद एक वर्ड है आपके पास इंफेक्सियस, इंफेक्सियस क्या होता है, जब कोई चीज संक्रामक होती है उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, इंफेक्सियस, FECTIOUS, इंफेक्सियस, देख लीजिए कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए। और देखिए OUS आ रहा है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और हिंदी में आप कह सकते हैं इसको संक्रामक, क्लियर, यानी एक ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाए। इसके लिए एक और प्यारा सा वर्ड आता है ट्रांसमिसेबल, IBLE की ABLE, देख लीजिएगा TRANS, TRANS, MISSIBLE, ट्रांसमिसेबल।
और एक और वर्ड आता है इसके लिए हम यूज करते हैं कई बार, कॉन्टाजियस। क्या? कॉन्टाजियस। क्लियर? कॉन्टाजियस भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इनइक्विटी। इनइक्विटी की बात करें, जो अधर्म होता है या जिसको आप अन्याय कहते हैं, उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। वर्ड नाउन हो जाता है आपका, हिंदी में आप अधर्म या अन्याय इसको कह देते हैं, इनइक्विटी को। और या आप एक वर्ड और इस सेंस में एक प्यारा सा वर्ड हम यूज करते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, विसिट्यूड। क्या फ्रेंड्स? विसिट्यूड, वी आई सी आई डबल एस आई टी यू डी। स्पेलिंग ध्यान दें, वी आई सी आई डबल एस आई टी यू डी, विसिट्यूड। या ग्रेट इनजस्टिस, इनजस्टिस आप कॉमन वर्ड है जो हम यहाँ यूज करते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी हम कहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र, जिसको हम कहते हैं आई एन डी ई पी ई एन डी ए एन टी और डी ई एन टी, बता दीजिएगा कौन सी स्पेलिंग सही है। क्लियर? और इंडिपेंडेंट है, फिर इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस भी बन जाता है। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वर्ड की नेचर, वर्ड की अगर हिंदी की बात करें तो आप कहते हैं क्या? स्वतंत्र। या एक और सिनोनिम आपको इसका मिलता है और वो होता है ऑटोनोमस। क्या? ऑटोनोमस, ए यू टी ओ एन ओ एम ओ यू एस। और जो वर्ड है, वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड डेफिनेटली क्या होगा? वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले स्पेलिंग देख लें सही। इंसिडियस की बात करें तो आई एन एस आई डी आई ओ यू एस, आई एन एस आई डी आई ओ यू एस, इंसिडियस। और इनकॉरिजिबल, आई एन इन सी ओ डबल आर आई जी आई बी एल ई, आई एन सी ओ डबल आर आई, यहां देखिए ई नहीं है, आई है, इनकॉरिजिबल। और एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो स्पेलिंग्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट स्पेलिंग का सेक्शन है वो है आई। आई से बनने वाली जो स्पेलिंग्स हैं वो मोस्टली डिफिकल्ट हैं। तो इनको, इसको बड़े ध्यान से देखकर चलिएगा इस लेक्चर को। तो इन्फेक्शियस की बात करें तो आई एन एफ ई सी टी आई ओ यू एस, इन्फेक्शियस। और कॉन्टाजियस, ओके ये सही स्पेलिंग लिखी है। इनइक्विटी की बात करें तो आई एन आई क्यू यू आई टी वाई, इनइक्विटी। और इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसमें आता है डी ई एन टी, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन टी, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस की क्या स्पेलिंग है, फटाफट से कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इंसोसिएंस। और इंसोसिएंस क्या? इंसोसिएंट, अगर बात करें एडजेक्टिव की तो इंसोसिएंट मिल जाता है वर्ड। और इंसोसिएंट होता है बेफिक्र, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल इंडिफरेंट कह दीजिए, अनकंसर्न्ड आप कह सकते हैं, इंसोसिएंट। सी आई ए एन टी और आई एन सी ओ यू एस आई ए एन टी। और एक और लिख दूं, आई एन एस ओ यू सी आई ए एन टी, तीन स्पेलिंग मैंने यहां लिख दी। ओके, आई एन एस ओ यू सी आई ए एन टी, ओके दोनों स्पेलिंग सेम हो गई, सी आई एन टी। और वर्ड की बात करें, देखिए इंसोसिएंट वर्ड आपकी हो जाती है, जो नेचर है वो हो जाती है एडजेक्टिव। और हिंदी में आप कहते हैं इसको बेफिक्र, या आप अनकंसर्न्ड, यू एन अन सी यू एन सी आर एन ई डी, अनकंसर्न्ड कह देते हैं, या इनडिफरेंट आप कह सकते हैं इस वर्ड को। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, इसके बाद बढ़ते हैं इंजीनियस। इंजीनियस की बात करें तो इंजीनियस होता है आपका क्लेवर एंड इन्वेंटिव, जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल सरल और शुद्ध आप कह सकते हैं।
क्या? इंजीनियस। NIOUS और INGENEOUS, इंजीनियस। वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड मिलेगा डेफिनेटली हमें क्या? एडजेक्टिव। आप कह दीजिए शुद्ध और सरल। बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लेवर एंड इन्वेंटिव भी आप कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं फ्लू। और फ्लू क्या है? जो फ्लू इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की एक शॉर्ट फॉर्म होती है फ्लू। डिफरेंट टाइप फ्लू क्या है? एक संक्रामक ज्वर आप कह सकते हैं, एक फीवर होता है एक काइंड का। तो स्पेलिंग है इन्फ्लुएंजा और INFLUANZ, ये देख लीजिए दोनों में। और इन्फ्लुएंजा की बात करें, नाउन होगा संक्रामक ज्वर आप कह सकते हैं। और इसका जो एब्रीविएशन है वो है इन्फ्लू, INFLU, इन्फ्लू, जो कॉमनली फ्लू के नाम से प्रचलित है, जिसको इन्फ्लू भी नहीं, फ्लू कॉमनली कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस की बात करें तो इग्नोमिनियस होता है आपका कलंकित, या आप कह सकते हैं घृणित भी, उसके लिए आप हिंदी में टर्म लाते हैं हाइडियस, आप कह सकते हैं इग्नोमिनियस। वर्ड मिल जाएगा आपको एडजेक्टिव, और आप कह दीजिए कलंकित या घृणित। वर्ड आता है इसका सिनोनिम आपके पास एक हाइड्यूवस आप कह सकते हैं, या रेपलेंट भी आप कह सकते हैं। LLANT लाई या ENT लाई, देख लीजिए RepLLANT की ENT, कौन सी स्पेलिंग यहां रेपलेंट की सही हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है, जब आप अज्ञानी होते हैं तब तो आप कहते हैं वर्ड इग्नोरेंट। और अगर अज्ञान की बात करें या अनभिज्ञता की बात करें तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इग्नोरेंस, और INNORENCE, ANCE है कि ENCE है? क्लियर? कंफ्यूजन इन्हीं में हमें होता है। और वर्ड की नेचर की बात करें, देखिए ANCE या ENCE दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली वर्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। इसको आप कहते हैं अनभिज्ञता, इग्नोरेंस को अनभिज्ञता, और अनभिज्ञ को आप कह देते हैं क्या? इग्नोरेंट। तो इलिटरेसी भी आप कह सकते हैं। और एक और प्यारा सा वर्ड मुझे याद आ रहा है, स्टूपर। क्या फ्रेंड्स? स्टूपर, STUPOR, स्टूपर भी हम इस वर्ड के सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं। और इलिटरेसी LLITERACY, देख लीजिए सही स्पेलिंग है कि गलत है। चलिए अब सही स्पेलिंग देख लेते हैं क्या है। इंसोसिएंट की बात करें तो INSOUCIANT, INSOUCIANT, पहली स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। और देखिए ये वाली भी बिल्कुल, थर्ड वाली भी बिल्कुल सही है। क्लियर? वेरिएंट देने के चक्कर में वो सही स्पेलिंग लिखी जाती है कई बार। इंजीनियस की बात करें तो INGE आपको मिल जाता है, INGENIOUS, INGENIOUS, क्लियर? और इन्फ्लुएंजा INFLUENZA, EN नहीं है यहाँ, EN है, गलती यहीं पर होती है इन्फ्लुएंजा में। और इग्नोमिनियस की बात करें, INOMINIOUS, INO, इग्नो, MINIOUS, इग्नोमिनियस, अधम या नीच या कलंकित या घृणित, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और देखिए रेपलेंट की बात करें, REPELLA नहीं मिलता यहाँ, आपको मिलता है सही स्पेलिंग में ई, रेपलेंट।
और अगर इग्नोरेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ANCEIGNORANCE, ये वाली स्पेलिंग आपको सही मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास मूवेबिलिटी और उसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है इमूवेबिलिटी, जिसको आप कहते हैं स्थिरता। मूवेबिलिटी आपकी होती है गतिशीलता और इमूवेबिलिटी की बात करें तो ये मिल जाती है आपकी हिंदी की स्थिरता। क्लियर, इमूवेबिलिटी। IMMOVABILITY, इमूवेबिलिटी। और देखिए अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो ITY है, तो डेफिनेटली वर्ड आपका क्या होगा, नाउन होगा और आप कह देते हैं इसकी हिंदी स्थिरता या फिक्सडनेस आप कह सकते हैं, या इनफ्लेक्सिबिलिटी भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कोई चीज फ्लेक्सिबल होती है यानी मूवेबल होती है, तो इनफ्लेक्सिबल है यानी क्या है, वो इमूवेबल है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इम्पाइटी। इम्पाइटी की बात करें तो इम्पाइटी हम यूज करते हैं अधर्म के सेंस में या अपवित्रता के सेंस में, क्या इम्प्यूरिटी के सेंस में या डिस्क्रिशन के सेंस में, या वर्ड है फ्रेंड्स इम्पाइटी IMPEITY और IMPIETY, इम्पाइटी। और ये वर्ड भी क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। आप हिंदी में कह सकते हैं यहां पर इम्पाइटी को अधर्म। क्लियर, इम्प्यूरिटी भी आप कह सकते हैं, इम्प्यूरिटी। क्लियर, और इम्प्यूरिटी के साथ साथ डिसिक्रेशन, DESECRATION, डिसिक्रेशन, DESECRATION, डिसिक्रेशन। और नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस हम यूज करते हैं जब हम कोई काम इंस्टेंट करते हैं, इंस्टेंट से ये वर्ड बना है इंस्टेंटेनियस, या आप प्रॉम्प्ट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इमीडिएट आप कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस TATANEOS, इंस्टेंटेनियस। और देख लीजिएगा क्या स्पेलिंग होगी, और INSTATANEOS, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस की बात करें वर्ड आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में मिल जाएगा, आप हिंदी में आप कह सकते हैं इसको तुरंत, और सिनोनिम आपको मिल जाते हैं इसके इमीडिएट, या आप कह सकते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी इसी के सिनोनिम की तरह हम यूज करते हैं। और एक चीज और है, हिंदी में एक वर्ड आपको मिलता है इसका तुरंत के साथ साथ, तात्कालिक, तात्कालिक। देख लीजिए शायद तात्कालिक है कि तात्कालिक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आइसोक्रोमेटिक। और आइसोक्रोमेटिक की बात करें, जब कोई चीज एक ही रंग की होती है तब वहां हम इस वर्ड को यूज करते हैं, MATIC, और वर्ड आपका हो जाता है एडजेक्टिव, और आप कह सकते हैं हिंदी में एक ही रंग का, आइसोक्रोमेटिक। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसिपिएंट। और इंसिपिएंट हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं किसी को ब्लॉक हेड कहते हैं, फूलिश कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं हिंदी में, या अयोग्य कहते हैं, तब हम यूज करते हैं इस वर्ड को इनसीपिएंट को, INSIPIENT, दो स्पेलिंग मैंने लिख दी।
और आप हिंदी सॉरी वर्ड को देखिए नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। और आप हिंदी में कह देते हैं बुद्धिहीन या फूलिश कह दीजिए, या ब्लॉक हेड कह दीजिए। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं सही स्पेलिंग क्या है। इमूवेबिलिटी, IMMOVABILITY, IMMOVABILITY, इमूवेबिलिटी। और इसके बाद बात करें इम्पाइटी की तो IMPIETY, IMPIETY इम्पाइटी हो जाता है। इंस्टेंटेनियस, INSTANT इंस्टेंट, इंस्टेंट याद रखिए, INSTANT इंस्टेंट, INSTANT इंस्टेंट, INSTANT दोनों में ही एन छूट गया। INSTANT ANEOUS, देखिए स्पेलिंग INSTANT ANEOUS, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी अगर इसमें एन हम ऐड कर दें। दोनों ही स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग लिखी हुई है। इंस्टेंट याद रखिए, देखिए लिख देता हूं मैं INSTANT इंस्टेंट, इंस्टेंट आपने लिखा, इंस्टेंट के बाद लिखिए आप INSTANT ANEOUS, ANEOUS, और आपकी स्पेलिंग बन जाती है इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही, INSTANT ANEOUS। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग है आइसोक्रोमेटिक की बात करें तो ISOCHRO, आइसोक्रोमेटिक, METIC की MATIC, तो यहां ध्यान रखें ME नहीं होता, MATIC ये सही स्पेलिंग इसकी होती है। और इंसिपिएंट में हम बात कर देते हैं INSIPIENT, आई आता है तीन जगह, INSIPIENT इंसिपिएंट। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है इडियोसिंक्रेसी, और इडियोसिंक्रेसी की बात करें आपके विचित्रता या अनोखापन के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, इडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRACY, और IDIOSYNCRASY, बस सारा खेल यहीं पर है, CY या SY में, यही आपको स्पेलिंग ध्यान देना है। और वर्ड की नेचर की बात करें, एन नाउन है यानी आप हिंदी में कह सकते हैं इसको अनोखापन। क्लियर? अनोखापन कह दीजिए या विचित्रता आप कह दीजिए। इसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हैं फ्लेयर, नेचर इसका सिनोनिम आपको मिल जाता है, फ्लेयर मिल जाता है, या एक वर्ड और आता है आपके पास डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन भी हम इसके सिनोनिम के सेंस में यूज करते हैं, डिस्पोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इलिजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल होता है जब कोई चीज आपकी अपठनीय होती है यानी अस्पष्ट होती है, वेग होती है या ऑब्स्क्यूर होती है, तब आपके लिए एक वर्ड लेजिबल है, लेजिबल का ऑपोजिट आपको इलेजिबल मिल जाता है। क्लियर? तो ILLEGIBLE, और ILLEGIBLE यही वेरिएशन है, बस यही आपको ध्यान रखना है कौन सी स्पेलिंग सही हो सकती है। और वर्ड देखें, वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और आप हिंदी में कह सकते हैं अपठनीय यानी जिसको आप ऑब्स्क्यूर भी कह सकते हैं, ऑब्स्क्यूर गूढ़ होता है, जो चीज ना पढ़ी जाए उसको आप ऑब्स्क्यूर कह दीजिएगा। क्लियर? या अस्पष्ट होता है दूसरा सिनोनिम इसका, तो वेग आपके पास एक वर्ड मिल जाता है इसके सिनोनिम के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इलेजिटिमेट,
इलेजिटिमेट हम यूज करते हैं अनुचित के लिए, इलीगल के लिए, या अवैध के लिए, या जिसको आप कह देते हैं बास्टर्ड, बास्टर्ड के सेंस में हम इलेजिटिमेट को यूज करते हैं. आई डबल एल ई जी आई टी आई एम ए टी ई, आई डबल एल ई जी आई टी आई एम ए टी ई, एक ही स्पेलिंग मैंने लिख दी आपके लिए, यही स्पेलिंग है आपकी सही, इलेजिटिमेट. और बात हिंदी में करें तो अनुचित आप कह सकते हैं, अनुचित या अवैध आप कह दीजिए, और इलीगल और अवैध के बाद एक वर्ड और आपको मिलता है, इलीगल कह सकते हैं, या आप एक वर्ड है आपके पास बास्टर्ड, बास्टर्ड. अच्छा बास्टर्ड से मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, डास्टर्ड, डी ए एस टी ए आर डी. बता दीजिए जरा डास्टर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं, क्या मीनिंग डास्टर्ड का होता है. चलिए इलेजिटिमेट के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की. नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इलिटरेट. इलिटरेट होता है आपका जब आप कहते हैं अनपढ़ या अशिक्षित आप कहते हैं, तो आई डबल एल आई टी ई आर ए टी ई और आई डबल एल ई टी ई आर ए टी ई, इलिटरेट. तो इलिटरेट की नेचर की बात करें तो इलिटरेट आपको मिल जाता है क्या, नाउन, और इसको आप कहते हैं अनपढ़ या अशिक्षित. हालांकि माइन्यूटली दोनों में डिफरेंट होता है, अनपढ़ में और अशिक्षित में. और एक सिनोनिम आपको मिल जाता है इसका, अनएजुकेटेड. क्लियर फ्रेंड्स. और आज के लिए लास्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे, वर्ड है आपके पास इमाक्यूलेट. इमाक्यूलेट हम यूज करते हैं जब आप कहते हैं बिल्कुल शुद्ध है, त्रुटि रहित है, उस सेंस में हम इमाक्यूलेट को यूज करते हैं. और इमाक्यूलेट की बात करें तो इमाक्यूलेट आपका मिल जाता है एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, शुद्ध कह लीजिए या त्रुटि रहित कह लीजिए. क्लियर. या आप कह दीजिए बिल्कुल स्पॉटलेस, साफ सुथरा आप कह सकते हैं, अनस्टेन्ड. क्लियर. इमाक्यूलेट कैरेक्टर, बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति. क्लियर. तो चलिए सबसे पहले बात कर लें पहले वर्ड की, इडियोसिंक्रेसी की. तो आई डी आईओ इडियो, एस वाई एन सिन और सी आर ए एस वाई, यहां आपको ध्यान जो रखना है वो रखना है इस एस का. क्लियर. एरर होती है इस सी में और एस में, सी वाई और एस वाई, तो एस वाई इसमें आता है आपका. और इलिजिबल की बात करें तो आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, इलिजिबल हो जाता है. इलिजिटिमेट की सही स्पेलिंग लिखी हुई है तो आई डबल एल आई टी ई आर ए टी. इलिटरेट की बात करें और इमाक्यूलेट आई डबल एम ए सी यू एल ए टी ई, इमाक्यूलेट. तो सीखी हमने 25 स्पेलिंग्स, इसमें आपकी कितनी सही थी एक ऑनेस्ट कमेंट छोड़ दीजिएगा. तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी, बीच बीच में लेक्चर्स मेरे इरेगुलर हो रहे हैं, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें व्यस्तता होने के कारण, उसमें बिजी शेड्यूल होने के कारण आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा है. लेकिन अब काफी कुछ हो गए हैं एग्जाम्स, अब कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा और रेगुलर हो जाऊं, आपको लेक्चर्स दूं और साथ साथ जो वैरायटी है यानी वैरायटी भी आपको दूं कि स्पेलिंग है, एक दिन स्पेलिंग हो जाए, एक दिन स्पॉटिंग एरर हो जाए, एक दिन इडियम्स हो जाए, एक दिन सिनोनिम्स हो जाए. इस तरह से अलग अलग लेक्चर्स भी आपको देने का प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता. तो चलिए अभी तक निर्मल इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी कुछ आपको वहां मिलेगा. तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बोल देता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए भी आज आपको. चलिए एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.